बॉलीवुड की क्वीन रही कंगना रनौत ने राजनीति में उतरते ही अपना परचम लहरा दिया है। वही हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गई। एक्ट्रेस ने चुनाव जीतने के बाद उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। एक्ट्रेस को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF जवान ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने सामने आकर कंगना का समर्थन करते हुए इस हादसे की कड़ी निंदा की। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म मेकर का नाम जुड़ गया है जिसके साथ कंगना रनौत का अक्सर 36 का आंकड़ा रहा है। फिलहाल अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये फिल्म मेकर और कोई नहीं बल्कि करण जौहर है। बता दें, हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म किल के प्रमोशन के दौरान करण जौहर ने कंगना थप्पड़ कांड पर अपना रिएक्शन दिया है। फिल्म मेकर ने कहा कि वह किसी भी तरह की हिंसा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बता दें, करण जौहर और कंगना रनौत के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। एक्ट्रेस ने करण के लोकप्रिय शो कॉफी विद करण पर शिरकत करने के दौरान फिल्म मेकर को नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर कहा है। इसके अलावा वह कई मौके पर फिल्म निर्माता करण जौहर को मूवी माफिया भी कह चुकी हैं। बता दें, एक्ट्रेस के लगाए गए आरोप के बाद दोनों के बीच की कड़वाहट इस हद तक बढ़ गई कि करण जौहर ने कंगना को इंडस्ट्री छोड़ने तक की सलाह दे दी। करण ने कहा कि अगर उन्हें इंडस्ट्री से इतनी दिक्कतें हैं तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हर बार दूसरे पर यूं गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। खबरी चौखट की रिपोर्ट।